हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश वर्मा आपको एक ऐसे एक्सेल टेम्पलेट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको आप इस्तेमाल करके किसी भी बिजनेस के लिए चालान, इनवॉइस एक साथ बना सकते हैं, ठीक है। और उस पे जो डाटा फीड करेंगे उसको एक अलग शीट में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ज्यादा समय ना लगाते हुए चलो शुरू करते हैं। पहले फाइल खोल लेते हैं, तो फाइल हमने डेमो वन के नाम से सेव किया हुआ है, तो इसको खोल लेते हैं और जाते हैं चालान शीट पे। सबसे पहले यहाँ पे आप अपना लोगो, अगर पहली बार शुरू करें लोगो आपको अपना यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो आप अपना इंसर्ट पिक्चर करके यहाँ पे लोगो इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना बिजनेस नेम लिखना है, मान लो हमने सर्विस इन्वर्स। उसके पहले आपको बता दें, जब फाइल ओपन करेंगे तो यहाँ पे मैक्रो इनेबल करना पड़ेगा आपको, इनेबल मैक्रो कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप जो है यहाँ पे बिजनेस नेम डालेंगे, JSM इंजीनियरिंग, एक डमी कंपनी है जो इंजीनियरिंग में काम करती है सर्विस इंडस्ट्री में, हम उसके नाम पे आपको डेमो दिखाएंगे, ठीक है। जैसे ही आप ये यहाँ पे डालेंगे ये चालान में, ये अपने आप डाटा आ जाएगा इनवॉइस में। यहाँ पे एड्रेस डालना है, आप यहाँ पे एड्रेस कुछ भी डाल दीजिए, मान लो हम डाल देते हैं 7 और कॉन्टेक्ट डिटेल भी डाल दीजिए। आप ईमेल लिख सकते हैं, इस पे वेबसाइट डाल सकते हैं, वो भी आपका लेटर हेड का आइटम है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। ओके, वेबसाइट है, वेबसाइट भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कस्टमर का एड्रेस और कस्टमर का नाम लिखना है। हमने एक लिस्ट बनाया हुआ है यहाँ पे, लिस्ट में है क्लाइंट्स का, ये लिस्ट है। आप चाहें तो इसको डमी लिस्ट है, आप इसको अपने हिसाब से अपडेट कर सकते हैं, ये उसके एड्रेस का लिस्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ से एक क्लाइंट को चूज कर लेते हैं, मान लीजिए ये क्लाइंट है और इसका एड्रेस यहाँ से चूज कर लेते हैं, ठीक है, ये अलग हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे चालान नंबर डालते हैं, चालान नंबर ये अपने हिसाब, मान लो हमने 51 डाला हुआ है, बदलना चाहे बदल सकते हैं, आप इसको 75 भी कर सकते हैं, जो चाहिए। जैसे ये डालेंगे, एक डेट करंट डेट है, आप अगर आज में बना रहे हो तो आपकी करंट डेट डालिए आप, या फिर जो भी जिस डेट का चालान है, मान लीजिए आपका 25 अप्रैल का चालान है तो आप 25 अप्रैल डाल सकते हैं। अगर आप रिटर्नेबल गेट पास लाते हैं तो आप उसको ग्रुप पास नंबर डाल दीजिए 1200, अगर रिटर्नेबल नहीं है तो अपने आपके हिसाब से जो लागू पड़ता है वो डालिए, नहीं ब्लैंक छोड़ दीजिए। यहाँ पर डेट डाल दीजिए, मान लो 20 तारीख का लाया 20 तारीख डाल दीजिए। फिर अगर आपको PO नंबर मिला है तो PO नंबर डालिए, PO डेट डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे अगर रिवर के लिए कोई सामान लाते हैं, जैसे ये कंपनी जो है रिवर के लिए लाता है, तो उस पर आप डाल सकते हैं क्या सामान लाया आपने, मान लो आप ले SS Sect ले Sect, अब इस पर क्या काम करते हो उसको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डालना है आपको। जब डिस्क्रिप्शन इसका हमने लिस्ट बनाया हुआ है कि आप कौन कौन से आइटम पे रिवर्क करते हो, तो मान लो हमने ये काम किया, ये किया, तो ये चूज कर दिया, ठीक है। इसी तरह से जितने भी आपके रिवर्क किया है या काम किया है, अगर रिवर्क नहीं किया मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो आप अपना आइटम का नाम लिख दीजिए आपने क्या क्या बनाया है, फिर उसका रेट यहाँ पे क्वांटिटी कितना है, मान लीजिए हमको ये 5 लाया और इस एक का काम करने का कीमत है 250 रुपया। जैसे ही आप यहाँ पे नंबर और ये एंटर करेंगे, वैसे ही चाहे देख रहे हैं आप इनवॉइस में अपने आप अपडेट हो जाएगा, ठीक है, ये अपडेट होता रहेगा। दूसरा आइटम डालना, दूसरा डाल दीजिए, मान लीजिए ये लाए कपलिंग, लाए कपलिंग, फिर इस पे क्या रिवर किया, मान लो ये किया इस पे बोरिंग मशीनिंग कीवे है, ये भी है, और ये लाया टोप, और एक का कीमत है
700 रुपये। तो ये देखिए अपने आप यहाँ पे आ गया और ये ऐड हो गया, ठीक है। जैसे 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 आप कलम बनाते जाएंगे वॉइस अपने आप बनता जाएगा। फिर यहाँ पे आकर के आपको अपनी कंपनी का नाम पहली बार जब बन कर रहे हैं तो आपको ऐड करना पड़ेगा, अपनी कंपनी का नाम डालना पड़ेगा। मान लीजिए कंपनी का नाम है JSM इंजीनियरिंग कंपनी, ठीक है। एडिट करके इसको नाम बदल दीजिए अपना, जैसे ही बदलेंगे इधर अपने आप बदल जाएगा, यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। फिर ये प्रिंट करके साइन कर, अभी यहाँ पे जब आप दूसरा पार्ट है पर जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू डेली माल, आप दिन डेली रहते डेली या जयपुर रहते जयपुर लिख दीजिए, जयपुर भेज दीजिए सर, ओके हो गया। फिर आपको बिल नंबर यहाँ देना पड़ेगा, आपका जो करंट बिल नंबर है वो देना पड़ेगा। मान लीजिए आपका बिल नंबर है ये 51 दे दिए, ठीक है। जैसे ही आप 51 बिल नंबर देंगे आपकी ये इनवॉइस भी बिल नंबर, केवल बिल बनाने के लिए आपको बिल नंबर डाल यहाँ पे आपको, जब पहली बार आप ये इस्तेमाल करें तो आपको रजिस्ट्रेशन कोड देना पड़ेगा। मान लीजिए रजिस्ट्रेशन कोड है सर्विस टैक्स, ये सर्विस टैक्स कोड, और यहाँ पे आप डाल दीजिए जो भी आपका कोड है, होंगे आपको जो भी टैक्स लगता है, मान लो सर्विस टैक्स है, फिर ये स्वच्छ भारत सेस है, कृषि कल्याण सेस है, और दूसरे जो है आप उनको नाम अपने हिसाब से बदल सकते हो, ठीक है। अभी हम चलाने भी देखिए हमने ये टैक्स डाले हुए हैं, आप इनको टैक्स को अपने हिसाब से बदल सकते हो फर्स्ट टाइम के लिए। और ये टैक्स का डाटा लेता है लिस्ट से, यहाँ पे लिस्ट डाला हुआ है, जैसे टैक्स 1 14% है, टैक्स 2.5 है, टैक्स 3.5 है, आप इसको एडिट कर सकते हो, आप ये टैक्स का नाम भी एडिट कर सकते हो, रेट भी एडिट कर सकते हो। तो जैसे ही आप उसको एडिट करेंगे अपने आप अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये डाटा हमको अपडेट करना है, अभी यहाँ पे देख लीजिए कोई डाटा नहीं है, यहाँ पे कोई ब्लैंक है पूरा। जैसे ही आप चलान पे ये बटन दबाएंगे सेव का, ये डाटा आपको सेव हो जाएगा और वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। ये देख लीजिए आप, ये देखिए रजिस्टर जाइए, देखिए डाटा अपने आप अपडेट हो गया, यहाँ पे चालान नंबर आ गया, यहाँ पे इनवॉइस नंबर आ गया, यहाँ पे डेट आ गई इनवॉइस की, यहाँ पे पार्टी का नाम आ गया, और यहाँ पे इनवॉइस अमाउंट और ये सब डिटेल आ गया, टोटल अमाउंट बन गया इतना। अभी जैसे आप दूसरा चालान बना लेंगे, मान लीजिए आपने इस बार 76 बनाया है, चालान नंबर ये है 1205, डेट मान लीजिए वही, ओके बनाया आपने इनवॉइस नंबर इसको दे दिया, अभी आपने इनवॉइस नंबर यहाँ पे दिया था कौन सा 51, इस बार आपका इनवॉइस नंबर आ गया 52 इनवॉइस नंबर आ गया, ठीक है। और ये रेट आपसे थोड़े बदल के, मान लो इस बार आपने 3 ही पीस बनाया है और ये 1 ही पीस बनाया है, तो आपका ये देखिए बिल अमाउंट जो अपने आप बदल गया, सब कुछ बदल गया अपने आप, इनवॉइस भी आपका रेडी है।
इस बार आपको ना ये डालना पड़ेगा ना ये डालना पड़ेगा कि ना ये डालना पड़ेगा सिटी नेम, सब कुछ अपने आप रेडी हो जाएगा। और आप एक बटन दबाइए, आप प्रिंट कर लो, लेकिन सेव करने के पहले आप प्रिंट कर लीजिए, क्योंकि सेव करने टाइम पे बिल नंबर डिलीट कर देता है। प्रिंट कर लीजिए, प्रिंट करने के बाद आप एक सेव बटन दबा दीजिए, डाटा आपका अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। आप देखिए डाटा अपने आप ट्रांसफर हो गया, जैसे जैसे डाटा ट्रांसफर हो रही है सीरियल नंबर अपने आप देता जाएगा। फिर से आप देखना देख लीजिए, ये हो गया 78 और ये हो गया आपका इस बार कितना था 52 है, 53 आ गया इन्वॉइस नंबर 53। फिर आपका रेडी है, मान लीजिए इस बार ये आ गया 2 और ये आ गया 4, इसका रेट है 650, इसका भी रेट थोड़ा आपका अलग है। तो जैसे ही अपडेट करेंगे फिर अपने आप सब कुछ अपडेट हो गया, और आप प्रिंट कर लीजिए, प्रिंट करना है तो उसके बाद सेव कर दीजिए। ये देखिए डाटा अपने आप रजिस्टर में आ गया, सीरियल नंबर भी बदल गया, सब डाटा अपने आप आ गया, ये पूरा आ गया। अभी जब आपको पेमेंट मिलता है तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं, रिसीप्ट डेट कब आपने पेमेंट मिला है, चेक नंबर क्या था, अमाउंट क्या था, बैलेंस कितना बचा है, ठीक है। बैलेंस अपने आप ही देगा, जैसे ही आप यहाँ पे अमाउंट डालेंगे तो बैलेंस अपने आप बता देगा कितना बैलेंस आपका इस पार्टी के पास बचा हुआ। अभी आप देख पार्टी बदलना चाहो तो यहाँ पार्टी बदल सकते हो, जो भी पार्टी के लिए बनाना है ये पार्टी डाल दिया, अभी अपने आप हो गया। अभी फिर से अपडेट, ये आपका था बिल नंबर मान लो 78 था, अभी आप यहाँ पे जो बिल नंबर डालोगे 77 डालते 77 रह गया था, तो फिर ये आपका इनवॉइस बन के तैयार है। प्रिंट करना कर लीजिए और सेव दबाइए, डाटा एंट्री आप देख सकते हो कि कितना ऑटोमेटिक सब कुछ हो रहा है यहाँ पे, अपने आप सब डाटा एंट्री हो रही है, अपने आप बिल बन रहा है, अपने आप चालान बन रहा है, थोड़े से मेहनत में बहुत अच्छा टेम्पलेट है। अगर आपसे संदेह लगता है कि आपके काम का है, आप हमें डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर है, ईमेल है, हमें भेजिए, हम आपको मेल कर देंगे। एक फॉर्मेट बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट रहेगा, आप इसको इस्तेमाल करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।